हेलो एवरीवन। तो आज के ये वीडियो में इंटीग्रेशन का ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। इस क्वेश्चन में बहुत जनों को डाउट आता है कि ये कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, इसमें बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ ये वीडियो में। आप अच्छे से देख लो और नोट्स भी आपके सामने रखो, क्योंकि ये सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको मेरे साथ में। समझते समझते इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। अब क्या करो, ये जो रूट टेन एक्स है ना, इसको कन्वर्ट करो कॉट एक्स में। तो 1/√cot(x) हो जाएगा प्लस √cot(x)। फिर क्या करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 1+√cot(x)√cot(x). क्या हो जाएगा, cot(x). डिनोमिनेटर में आ जाएगा √cot(x) dx। अब अगला स्टेप जो है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1+cot(x) और इधर 1/√cot(x) मैंने लिख दिया है। देखो, कुछ भी है गड़बड़ नहीं है, मैं इसको फास्ट में भी सॉल्व कर सकता हूँ। बट अच्छे से समझने के लिए, जिनको फास्ट में वीडियो देखना है, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं वीडियो की, फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए मैंने स्पीड मीडियम ही रखा है। अब ये √cot(x) जो है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, √tan(x). चलो, 1+cot(x) यहाँ पे आ जाएगा √tan(x). सर, अब अगला स्टेप, तो अब आपको अगला स्टेप करना है, tan(x) को t² पुट करना है। ये जो tan(x) है ना, ये इसको t² पुट करना है। तो अब सब चीज़ें जो है टी के टर्म्स में कन्वर्ट होने हो जाएंगी। तो कैसे कन्वर्ट होंगे, देखो, टेन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो आ जाएगा 6² x dx। यहाँ पे आ जाएगा 2t dt। अब 6² x को आप लिख सकते हैं 1+tan²x dx इज इक्वल टू 2t dt। मतलब ये जो dx है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा टी के टर्म्स में। कैसे कन्वर्ट होंगे देख लो। अभी आपने देखा कि टैन एक्स मतलब क्या है, t² है। टैन एक्स इज इक्वल टू t² है, तो tan²x जो है वो हो जाएगा t^4। तो 1+t^4 यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। तो dx का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2t dt, अच्छे से समझ लो, अपॉन 1+t^4। तो एक एक वैल्यू अपन जमा कर रहे हैं। सर, dx का एक वैल्यू आ गया है, tan x को तो t² पुट करना है। सर, cot x को क्या पुट करेंगे, वेरी सिंपल, cot x को 1/t², ठीक है। चलो, तो ये सभी वैल्यूज अपन इस इंटीग्रेशन में पुट करने वाले, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, देख लो, ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो ये मॉडिफाई होके ऐसा दिखेंगे। आप देख लो, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1+1/t², फिर इधर आ जाएगा √t² और dx का वैल्यू जो है वो 2t dt अपॉन 1+t^4 आ जाएगा, ठीक है। हो गया, सबके वैल्यूज अपन ने पुट कर दिए। अब कैलकुलेशन का काम है, मतलब इसके आगे सिंप्लीफाई करना है। t² + 1/t², फिर यहाँ पे t आ जाएगा, इधर 2t, डिनोमिनेटर में 1+t^4। अब ये हो जाएगा t² + 1, ये t² और ये t² कट हो जाएगा। यस सर, ये 2 2 को बाहर रख दो और नीचे जो है वो कौन है, 1+t^4 इधर dt। हाँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, t^4+1, ठीक है। तो अब अगला जो स्टेप है, इसके बाद ये वाला जो इंटीग्रेशन है, दिस इज आल्सो स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन। ये आपने मतलब जिन्होंने ये इंटीग्रेशन किया नहीं होगा ऐसे टाइप का, तो आप मेरे चैनल पे इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है कि ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में। चलो,
अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टी स्क्वेयर से डिवाइड करना पड़ता है। मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि जिनको ये और डिटेल में सीखना है, ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इंटीग्रेशन का जो इंडेफिनेट इंटीग्रल का जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। इसमें अपन टी स्क्वेयर से डिवाइड करने वाले हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर प्लस 1 बाय टी स्क्वेयर। यहाँ पे आ जाएगा t^4 / t^2 प्लस 1 / t^2 इधर dt। नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसा दिखेगा, 1 + 1/t^2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t^2 + 1/t^2 dt। ठीक है सर, अब अगला स्टेप क्या आ जाएगा देख लो बेटा, 1 + 1/t^2 जो है ना ऊपर, वो किसका डेरिवेटिव है ये सोचने का। सर ये किसका डेरिवेटिव है कैसे सोचने का, सोच सकते हैं बेटा आप, देख लो सर, ये है t-1/t का डेरिवेटिव। यस t-1/t, तो सर अब t-1/t तो नहीं है सर, वो कहाँ से लाना लाएंगे ना बेटा, कहाँ से लाएंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में है ना वो जो है वो t-1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 है। हाँ इसको ही आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है। तो इसको लिखने के बाद हो गया अपना काम, अब वापिस से t-1/t को z सब्स्टिट्यूट करो, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, 1 + 1/t^2 इज इक्वल टू dz/dt, तो dt को इधर लिख दो, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + 1/t^2 dt। तो ये पूरा dz बन गया, ये z बन गया, तो ऊपर dz डिनोमिनेटर में z^2 + 2, 2 को √2 का स्क्वायर लिख दो, और ये 2 बाहर है। चलो ये जरा अच्छे से देखते हैं, तो ये कौन से दो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है बेटा, 1/x^2 + a^2 dx, ऐसा दिख रहा है वो, 1/a tan 1 xy का फॉर्मेट दिख रहा है क्या। हाँ सर, तो वो अप्लाई करो उसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2 tan 1 x मतलब z, z/√2 + c। चलो तो हो गया इंटीग्रेशन, बट z मतलब कौन है वो वापिस से पुट कर दो, ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा √2, ये tan इनवर्स z मतलब था t-1/t, नीचे √2 है प्लस c। और अब इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा t^2 - 1 √2 × t प्लस c। स्टार्टिंग में जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था वो पुट कर दो इसमें, सर टेन एक्स को आपने t^2 पुट किया था, हाँ बेटा देख लो, तो √2 आ जाएगा, ये टेन इनवर्स आ जाएगा, t^2 मतलब टेन एक्स -1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2, ये t मतलब कितना आ जाएगा सर, √tan x आ जाएगा। यस चेक कर लो प्लस c। चलो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, और फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। यस एवरीवन, चलो तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, शेयर शेयर कर सकते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस ऑन इंटीग्रेशन, चलो बाय बाय।